Not. हाँ दो हाँ पता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? आप लोग चैट बॉक्स में बस मुझे रिप्लाई दीजिए। आवाज आ रही है क्या मेरी? जस्ट हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं अगर किसी ने ज्वाइन किया है यहाँ पर। अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जिसने भी ज्वाइन किया है प्लीज़ यस लिख लीजिए चैट बॉक्स में, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारा चैट बॉक्स से ही होगा। इनकेस अगर चैट बॉक्स में नहीं समझ में आ रहा है तो टेलीग्राम में हमारा कम्युनिकेशन होने वाला है, ठीक है? ओके, जज़ाकल्लाह भाई। वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन मेरी दिख रही है? स्टार्टिंग सून बोल के लिखा है। ओके, स्क्रीन दिख रही है, आवाज़ आ रही है। इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे 2 मिनट में। तब तक हम लोग ज्वाइन होने देते हैं सबको, ठीक है? अभी तक व्यूवर्स आए नहीं है यहाँ पर, 4-5 लोग ही ज्वाइन कर चुके हैं अभी। ओके, अभी बस मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं कोई और स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ तो आपको दिख रही है क्या? ये जो क्रोम की स्क्रीन है ये आपको दिख रही है क्या? गूगल जिस पे लिखा है ये आप लोग को दिख रहा है क्या? गूगल भी आप लोग को दिख रहा है? डन, अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीज़ बराबर चल रही है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10 बजने में है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी सब लोग ज्वाइन करेंगे। हम लोग को उनका वेट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह भाई। 10 बज चुके हैं क्या? आई थिंक हो चुका है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग ने एक नया कदम उठाया है यहाँ पर। और सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि आप लोग ने आपका कीमती वक्त निकाल के एक नई जर्नी शुरू करने की कोशिश की है यहाँ पर, जिसका नाम है प्रोफेशनल्स जर्नी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी ऐसी रहेंगी कि आप लोग खुद समझ में आएंगे आप लोग को कि आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन होने वाला है इंशाल्लाह। और कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो ज़रूरी है कि आपके सामने आना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर मैंने पीपीटी का फ्रंट पेज ऑन किया है। आप लोग को अगर दिख रहा है तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर रही है, ठीक है? जिस पर लिखा है प्रोफेशनल्स जर्नी, और इंशाल्लाह जल्दी हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं, प्रोफेशनल्स जर्नी। ओके, यहाँ पर आप लोग चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करिए। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लें इन द फॉर्म ऑफ क्या, हम लोग को सिर्फ एक चीज़ लिखनी है कि चैट बॉक्स में अपना नाम लिखना है और हम लोग एक दूसरे को कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं सिटी लिखना है। अगर सिटी मे बी शायद इंटीरियर में होंगी तो स्टेट का नाम भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मेरे लिए टाइप कर रहा हूँ, अभी मैं अपने लिए यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ क्या सर फ्रॉम औरंगाबाद। तो हर कोई कुछ ना कुछ टाइप करिए, इंशाल्लाह मालूम पड़ेगा हम लोग को ये कौन कहाँ से कनेक्ट कर रहा है। हम लोग सब एक दूसरे से कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें हमें पता चलेंगी। तो फारूक भाई हमारे माशाल्लाह पुणे से है। रुकनुद्दीन भाई हैदराबाद से है माशाल्लाह, एक नया स्टेट हमारे सामने। ओके, महफूज भाई तो हमारे मालेगांव से है। बेंगलोर से हमारे माशाल्लाह खैस भाई, नया स्टेट तेलंगाना अगेन। लातूर से अब्दुल रहमान भाई। मिराज भाई हमारे जुलिया से है। ओके, दानिश भाई मालेगांव से है। माशाल्लाह सब दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और आप लोग लिखते जाइए क्योंकि अभी काफ़ी लोगों का ज्वाइन होना मैं भी बाकी होगा। तो एक 10:05 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ये सब। माशाल्लाह हमारे औरंगजेब भाई सऊदी अरबिया से माशाल्लाह। मुबशिर भाई कहाँ से हैं? मक्का से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम भाई गुजरात से है। सुफियान भाई हमारे मुंबई से है, डोंगरी से। नवाज भाई हमारे मालेगांव के मशहूर, और फैसल भाई उस्मानाबाद से माशाल्लाह। इफ्तिखार भाई भुसावल डिस्ट्रिक्ट जलगांव से। ओके ओके ओके, इंतजार हमें है शहबाज भाई का। शहबाज भाई आते कि नहीं? सुहेल भाई हमारे पुणे से है। ओके, फरहत भाई मुंबई से है। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और कई अलग अलग जगहों से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें खैर होंगी और हम लोग मिलेंगे एक दूसरे से, अल्लाह ने चाहा ऐसे मौके भी आएंगे। और ये प्लेटफॉर्म पे तो हम लोग मिलते रहेंगे डेली। हम लोग रोज़ रात में 10 बजे हम लोग की मीटिंग्स होंगी, और जैसे ये कोर्स एंड होगा इसको हम लोग एंड समझेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग लाइफ लॉन्ग एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह बने रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ मीटिंग हम लोग मिलते रहेंगे, जूम मीटिंग में या जो भी लेवल पे हमें मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा। बस अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सिस्टम हैंग ना हो और वाईफाई ना चला जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस थोड़े स्लो होते जा रहे हैं। आप लोग बस दुआ करिए कि सिस्टम हैंग ना हो। रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे ऑलरेडी हो जाएंगी ना, क्योंकि ये लाइव चल रहा है ना, तो लाइव के सेक्शन में जाके बस देखना है यूट्यूब चैनल पे। और इन केस मेरा ओबीएस बंद हो रहा है ना, तो फिर से मैं कनेक्ट कर लूँगा। आप लोग बस ज्वाइन रहना मीटिंग में, ठीक है। दस बज के 5 मिनट होने में है। सिस्टम थोड़ा सा हैंग होना शुरू हुआ है। आप लोग बस थोड़ा सा सब्र रखना, ठीक है। ओके यहाँ पर मैं पीपीटी ऑन करता हूँ। ओके ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शुरू करेंगे प्रोफेशनल्स जर्नी। और ये एक ऐसा कोर्स होगा जिसमें आप लोगों को खुद रियलाइज़ होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली है जो पर्दे के पीछे की होती है। अब तक तो यूट्यूब पे चीज़ें देखते रहते हैं पर्दे के सामने की, और अब जो चीज़ें रहेंगी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होंगी कि हम लोग पर्दे के पीछे जो चीज़ें चलती है ना स्टॉक मार्केट में, और जो भी टेक्निकल चार्ट्स बनते हैं तो इसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं और एक्टिविटी क्या चल रही है उसको कैसे प्रेडिक्ट करना, और इंस्टीट्यूशंस को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पर ये जो पूरा गेम चल रहा है स्टॉक मार्केट का, और जो मैनिपुलेशंस चल रहे हैं, ट्रेडिंग चल रही है, बाइंग सेलिंग चल रही है, इस बीच में इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या बीच में चलते रहते हैं मामले, है ना, वो सब चीज़ों को हम लोग इंशाल्लाह पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी स्क्रीन ऑन है नहीं है, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। एक मिनट, यस आ रही है, आई थिंक सो आ रही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक स्लाइड आप लोग को दिख रही है, ठीक है। स्लाइड में लिखा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो ये जो पूरा कोर्स है ना, हम लोग उसमें ये वाली स्लाइड को ना एकदम पक्का समझ के चलेंगे कि ये वाली स्लाइड हमारी नजरों के सामने एकदम रहना चाहिए हर बार। ओके, डेट इज द स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ बिग प्लेयर्स। स्टॉक मार्केट में जहाँ भी आप लोग आए हैं ना पैसा इन्वेस्ट करने या कुछ कमाने के लिए, तो एक चीज आप लोग को सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि आपका कॉम्पिटिशन होने किससे वाला है, ठीक है। आप एक मैदान में अखाड़े में उतर चुके हो और यहाँ पर आपका कंपटीशन किसी से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आप लोग को इस मार्केट की मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये मार्केट है किसका। ओके, तो यहाँ पर ये मार्केट है बिग प्लेयर्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। ओके, और उसके बाद में है हम जैसे छोटे प्लेयर्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। ओके, इसको सिंपल सी ऐसी एग्जाम्पल के जरिए आप लोग समझिए कि आप लोग आईपीएल देखने गए हैं अपने फ्रेंड के साथ में, ठीक है। अब आईपीएल में मैच चालू है दो इंपॉर्टेंट टीम्स के बीच में, ठीक है। दो बड़ी बड़ी टीम्स है, वो उन लोग ने जो भी मेहनत की है उन लोग ही पूरा खेलने वाले पूरा गेम, वो ट्रॉफीज मिलने वाली उन्हीं को मिलने वाली है, पैसा जो मिलेगा उन्हीं को मिलने वाला है। हमारा काम क्या है, सिर्फ जाके मैच को देखना। अब इस पूरे बीच में स्टेडियम में ऐसा समझ के चलो कि बहुत सारे लोग ये मैच देख रहे हैं। अब ये पूरी जो मैच चल रही है ना, तो यहाँ पर सट्टा बाजारी भी चल रही है। ये पूरी मैच के बीच में क्या हो रहा है भाई, सट्टा बाजारी भी चल रही है। और बड़े बड़े लोगों ने क्या किया है, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर बोली लगाई है टीम्स पर, बड़े बड़े लोगों ने। और ऐसे समझो कि एक रैकेट रन किया है यहाँ पर, और इसको दूसरे लोग भी फॉलो करते हैं उन लोगों को पैसा देके। अब उन लोग जो बोली लगाते हैं दूसरे लोगों के भी पैसे उसमें लगे होते, ठीक है। अब ये जो लोग होंगे ना, इन लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट कंपनी इन लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट कंपनी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट टीम देखेंगे, उसकी मेहनत देखेंगे, हर एक पैरामीटर्स उसके पकड़ेंगे और उस पर बोली लगाएंगे, और काफी ज्यादा अमाउंट इन लोग लगाएंगे उसमें, ठीक है। इस पूरी मैच के बीच में अगर जो भी हम लोग को रिजल्ट मिलता है, तो वो वाली टीम जीत जाएंगी, उसके प्लेयर्स को पैसे मिल जाएंगे, जो लोगों ने बोली लगाई उन लोगों को पैसे मिल जाएंगे, और पूरा मामला ऐसा चलेगा। तो ये मैच चल रही है भाई स्टॉक मार्केट की, और यहाँ पर जो बोली चल रही है ना, किसके बीच में चल रही है, बिग प्लेयर्स के बीच में चल रही है बोली। मैच तो खेल रही है टीम्स मतलब कंपनीज, और यहाँ पर बोली किसकी चल रही है, बिग प्लेयर्स की चल रही है मतलब इंस्टीट्यूशंस की। इस बीच में हम जैसे लोगों का मामला क्या रहेगा, रिटेल इन्वेस्टर्स का। हम लोग ने मैच देखी है, इस बीच में हम लोग को लगा यार देख यार आज के दिन जो कोहली है ना सेंचुरी बनाएगा, दूसरा बोलता नहीं बनाएगा, चल लगा शर्त। तो इन लोग ने 10-10 रुपए की मैच खेल ली, 100-100 रुपए की मैच खेल ली, उसमें एक जीत गया एक हार गया, एक ने बाय कर लिया एक ने सेल कर लिया, कोई एक बंदा उसमें विनर हो गया। इतना हमने कमा लिया बस, हमारा रोल इतना ही है पूरे ये मैदान में, इससे ज्यादा हमारा रोल नहीं है। तो एक्चुअल रोल है किसका, एक्चुअल रोल है यहाँ पर बिग प्लेयर्स का। इसमें आते हैं भाई FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और क्या आते हैं इसमें, DIIs आते हैं इसमें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इसमें आते हैं FPIs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ओके, तो ये बिग प्लेयर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी। और यहाँ पर स्मॉल प्लेयर्स में कौन से लोग आते हैं, यहाँ पर आते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो सही तरीके से सीखे हुए हैं, और यहाँ पर आते हैं नोवाइस ट्रेडर्स जो कि एकदम इनोसेंट होते हैं, और इन लोग को इतनी समझ नहीं होती, ये लोग अनाड़ी होते हैं, और ये सारे लोग खिलाड़ी होते हैं। अब इस पूरे मैच में एक बार फिर से मैं क्रॉस चेक करूंगा कि मेरी आवाज आप लोग को आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरी आवाज आप लोग को आ रही है कि नहीं। आप लोग रिप्लाई करके मुझे बोलिए मेरी आवाज आप लोग को आ रही है कि नहीं आ रही है। जस्ट 2-3 लोग आ रही है ना, डन। चल, अब यहाँ पर अगर हम लोग बोले है हमारी पीपीडी। ओके, अब यहाँ पर कोई इंसान अगर अंदाजा लगाए कि इसमें पैसा किसका कितना लगा है, ओके, तो यहाँ पर अगर देखे ना, तो पूरे मार्केट में अगर कोई इंसान प्रेडिक्ट करना शुरू करे ना, तो 5% ही लोग हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं, बाकी 95% लोग जो है ना लॉसेस करते हैं। 5% में होते कौन है, 5% में ये स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स ही होते हैं, और कुछ लेवल पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं। 95% ये कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, इन लोग लॉसेस करते हैं इस मार्केट में। ये कड़क सच्चाई है इस मार्केट की कि यहाँ पर लॉसेस होते हैं, और काफी ज्यादा लॉसेस होते हैं इस मार्केट में। तो कौन प्रॉफिटेबल होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स और ये स्मार्ट मनी। तो आज के बाद हम लोग को एक चीज अपने माइंड में रख लेनी है। क्या रख लेनी है हम लोग ने, कि हम लोग अब तक इनोसेंट है, हम लोग को ये पूरे मामले से निकल के हम लोग को यहाँ पर आना है, हम लोग को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। और जिस तरीके से इन लोग काम करते हैं ना, बस इन लोग की गाड़ी में बैठना है। जहां पर इन लोग ने बाय किया हम लोग भी बाय करेंगे, जहां पर इन लोग ने सेल किया हम लोग भी यहाँ पर सेल करने के लिए बैठ जाएंगे। हम लोग को इन लोग के अगेंस्ट में काम करना नहीं है। ओके, तो ये चार्ट को अच्छे से आप लोग ने समझ के ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पर एक मिस्टेक होगी नोवाइस ट्रेडर से। क्यों हम लोग नोवाइस ट्रेडर नहीं रहेंगे, इनोसेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि नोवाइस ट्रेडर की मिस्टेक ये होती है कि उन लोग दो बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। कौन सी दो बड़ी मिस्टेक्स करते हैं? सबसे पहली मिस्टेक इन लोग की ये होती है कि बाइंग आफ्टर ए रैली इन प्राइस, बाइंग आफ्टर ए रैली इन द प्राइस। एंड सेकेंड मिस्टेक इज, व्हाट इज द सेकेंड मिस्टेक? बाइंग एट ए प्राइस लेवल वेयर सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड। तो जब एक बड़ा सा मूव आ गया ना, एक बड़ी सी कैंडल बन गई ना, तो यहाँ पर इन लोग एंटर होना शुरू हो जाते, या इन लोग ऐसे लेवल पे एंटर हो जाते कि एक दो दिन मार्केट भाग गया है, उसके बाद में इन लोगों को पता चला है और यहाँ पर अब जो बाइंग शुरू हो गई थी, अब क्या हो गया, डिमांड खत्म हो गया, सप्लाई शुरू हो गया, अब लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया या सप्लाई या सेल करना शुरू कर दिया। ऐसे टाइम पर ये लोग एंटर कर जाते। आ रही बात समझ में? तो ये दो बड़ी मिस्टेक होती है नोवाइस ट्रेडर की। हावेवर द प्रोफेशनल ट्रेडर हु इज अवेयर वेट्स टू टेक एडवांटेज। प्रोफेशनल ट्रेडर करता क्या ऐसे में, वो बैक डेटा देखता है, हिस्ट्री देखता है, कहाँ से मूवमेंट शुरू हुई थी, लेवल्स निकालता है और एक प्रॉपर लेवल डिसाइड करके वो लेवल पे एंट्री बनाता है। उसका मामला ऐसा क्या बोलते हैं, तड़फड़ का मामला होता नहीं है उसका। उसका मामला कैसा होता है कि सही लेवल वो प्रेडिक्ट करता है और वहाँ पर एंट्री बनाता है। तो यहाँ पर पूरा गेम क्या रहेगा, हम लोग को फॉलो करना है फुटप्रिंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस कभी जल्दी मिस्टेक्स करते नहीं है, ओके। और उन लोग ही इस मार्केट में ज़्यादा पैसा लेके आए हैं, तो उन लोग के एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होते हैं, ओके। तो हम लोग को क्या करना है अभी, हम लोग उन लोगों को फॉलो करना है। हम लोग को कब बाय करना है? व्हेन दे बाय। हम लोग को सेल कब करना है? व्हेन दे सेल। इसके अलावा हमारा कुछ काम ही नहीं है। अकलमंदी इसी चीज़ में है कि जो सरकार बनी है ना, उसके साथ चले हम लोग। अपोजिशन में जाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, हम लोग को जेल में डाल देंगे ये लोग। तो हम लोग को क्या करना है, जब इन लोग बाय करेंगे हम लोग भी बाइंग के लिए बैठेंगे, जब इन लोग सेल करने बैठेंगे ना, हम लोग हमारे प्रॉफिट्स को बुक कर लेंगे और वहाँ से निकल लेंगे। आज ये बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें माइंड में रख लेना। ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि पूरे कोर्स में हम लोग यही चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट कोर्स में हम लोग ने देखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमने फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया था लास्ट कोर्स में, और बेसिक्स जो थे हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिए थे। बट ये वाले कोर्स में क्या रहेगा, ये वाले कोर्स में हम लोग वो चीज़ नहीं करेंगे। ये वाले कोर्स में थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग को हेड जाना है और हम लोग को क्या करना है, ये रेंज के ऊपर निकलना है। अब तक हम लोग ने सपोर्ट रेजिस्टेंस कर लिया था, हम लोग को बता दें कि भाई सपोर्ट किसको बोलते हैं, ये नीचे के लेवल को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, ये ऊपर के लेवल को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब हम लोग क्या करते थे ऐसे में, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते थे और लाइन की वैलिडिटी चेक कैसे करते थे, दो ऐसे कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट अगर है जहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है तो हम लोग वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते थे, और थर्ड टाइम जैसा भी वहाँ पर मामला आता था और कोई एक रिवर्सिबल कैंडल बनती थी, जैसे मैं यहाँ पर बोलूँगा अगर हैमर बना है, मॉर्निंग स्टार बना है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री ले लेते थे। देन हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक कब करते थे, जब भी ये रेजिस्टेंस लेवल पे आएंगे हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक करते थे। अच्छा, ये वाला लेवल कैसा बनाते थे हम लोग, दो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया है, हम लोग वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते थे और थर्ड टाइम जब भी प्राइस वहाँ पर जाएंगी हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर हमारे प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये रेंज से थोड़ा ऊपर निकलना है। अब हम लोग देखने वाले ब्रेकआउट्स, ब्रेकआउट्स पे हमारी मेहनत शुरू होगी और ब्रेकआउट्स के रूल्स रेगुलेशन हर चीज़ हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर चीज़ क्या हो जाएंगी, मार्केट ने प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया, अब प्राइस रिजेक्ट नहीं हो रही है, अब प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो ये चीज़ अब हम लोग देखना शुरू करेंगे। अब ये नेक्स्ट टाइम जहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेवल पर जाके रिवर्स होंगी ना, तो ऐसे दो पॉइंट पकड़ के हम लोग फिर से लाइन खींचेंगे और हम लोग क्या करेंगे, उसको नीचे आने देंगे। अब हमारा दिमाग इस चीज़ को चल जाना चाहिए। अब हमारा क्या होना चाहिए, एक हमारे अंदर एक नया टैलेंट आ जाना चाहिए कि नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहने वाला है, जो पुराना रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो मार्केट जब भी गिरेगा गिरेगा गिरेगा, कहाँ पर सपोर्ट लेने वाला है, ये वाले लेवल पे सपोर्ट लेने वाला है। सो नाउ योर रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, और यहाँ से फिर वन साइडेड निकलेगा। अरे बात समझ में? तो ब्रेकआउट पे काम करना शुरू करेंगे। ये खाली मैंने नॉर्मली आप लोग को बताया, इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा खेल किस पे रहेगा भाई, डिमांड एंड सप्लाई। पूरा खेल किस पे रहेगा, डिमांड एंड सप्लाई। क्यों वो पूरे रेंज को ब्रेक करके ब्रेकआउट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ गई भाई प्राइस मूवमेंट की। और प्राइस मूवमेंट होता कब है, व्हेन देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। तो हम लोग डिमांड एंड सप्लाई को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले पूरे कोर्स में, ओके। डिमांड किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे ही डिमांड बढ़ जाता है ना, तो प्राइस का रिएक्शन क्या होता है, प्राइस विल टर्न्स एट ए हायर लेवल। प्राइस कभी भी ऊपर जाना शुरू हो जाती है जब भी डिमांड बढ़ गया है सप्लाई से, और जैसे सप्लाई का लेवल करीब हो जाता है ना, तब क्या होता है भाई, प्राइस वहाँ पर गिरना शुरू हो जाती है और डिमांड वहाँ पर कम हो जाता है। हमारी बात समझ में? तो ये दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है जहाँ पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे अब, कि हम लोग डिमांड एंड सप्लाई पे काम करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखना कभी भी कि प्राइस अगर डिमांड के लेवल पर आ गई है तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या होने वाला है, इंक्रीज इन दी प्राइस, इंक्रीज इन दी प्राइस, और प्राइस एट ए हायर लेवल। जब भी सप्लाई के करीब आई तो क्या होने वाला है, अगर सप्लाई आया है तो होने के वाला है रिएक्शन, चार्ट पे जो प्राइस बनेगी या जो भी तरीके से चलेगा ना चार्ट, वो कैसे चलेगा, गिरावट आ जाएंगी वहां पर। आ रही बात समझ में? तो हम लोग को डिमांड और सप्लाई पे अब काम करना शुरू करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट्स, जैसे मैंने आप लोग को बोला है कि ब्रेकआउट्स होते क्यों है, क्योंकि अभी मैंने ड्रॉ किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अब हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर ये पूरा खेल चल रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज ध्यान में रखेंगे कि नीचे वही बैठे हैं सारे बायर्स, ऊपर बैठे हैं सेलर्स। अब की बार नीचे कौन बैठे हैं, बायर्स में बैठे हैं इंस्टीट्यूशंस। अब की बार नीचे कौन बैठे भाई, बायर्स में बैठे हैं इंस्टीट्यूशंस, और ऊपर सेलर्स में कौन बैठे भाई, इंस्टीट्यूशंस। अब ये दोनों के बीच में जिसका भी पड़ला भारी रहा ना, अगर डिमांड बढ़ गया ना तो प्राइस ब्रेक करके निकलेंगे इसको, तो ये चीज अब हम लोग को पढ़ना शुरू करनी है। आ रही बात समझ में? और सप्लाई के लेवल पे भी ऐसी होगा कि अगर सप्लाई बढ़ गया ना तो ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा और प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अगर चार्ट पे किसी को देखना है तो कैसा रहेगा, देखिए बाजू में ये चार्ट का लेवल है हमारा, नीचे के लेवल्स हमारे सप्लाई वाले डिमांड वाले रहेंगे, ऊपर के लेवल्स हमारे सप्लाई वाले रहेंगे, और प्राइस ब्रेक करके निकलेंगी, और जो भी कैंडल ने ब्रेक किया है ना उसको हम लोग एनालाइज करने वाले हैं पूरे कोर्स में। आ रही बात समझ में? तो ये जो कैंडल दिख रही है ना हम लोग को जिसने ब्रेक किया है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक होता है इसमें प्राइस एक्सेप्टेंस और दूसरा होता है प्राइस रिजेक्शन। तो जैसे ये लेवल पे प्राइस आती है ना तो यहाँ से निकलती है, शूटअप करती है, और यहाँ पर जितने भी सेलर्स होंगे या सप्लायर जोन्स होंगे सब यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर निकलेगा। बट इनके ऑर्डर्स अगर अनफिल्ड होंगे ना, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखने वाले, तो यहाँ पर प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आएंगी, तो रिटेस्ट करने देंगे हम लोग, यहाँ पर सपोर्ट लेंगी और उसके बाद में वन साइडेड निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोर्स में, और बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर पिछले कोर्स से कंपेयर अगर मैं करूँ ये वाले कोर्स को, तो पिछले वाले कोर्स में हम लोग ने फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से किया था। पिछले वाले कोर्स में क्या किया था हम लोग ने, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से किया था, बट ये वाले कोर्स में टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। आ रही बात समझ में? तो ये कोर्स ही हमारा टेक्निकल एनालिसिस का है, तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर फंडामेंटल्स पे बात नहीं करने वाले हम लोग। आ रही बात समझ में? कोई बंदा बोलेगा कि यार फंडामेंटल्स का ये अब कैसा देखना है इसका, तो पिछला वाला कोर्स जाके देखना पड़ेगा उसको। आ रही बात समझ में? बट ये वाले कोर्स में क्या होने वाला है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे काम करेंगे। पिछले वाले कोर्स में हम लोग ने इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा था, हम लोग ने अच्छी कंपनीज पढ़ना शुरू करी थी, उसके लिए हम लोग ने 20 इंपॉर्टेंट रेशियोज पढ़ने शुरू कर दिए थे, है ना। और उसके बाद में क्या किया था, हम लोग ने टूल बना लिया था। टूल बनाने के बाद में क्या किया था, हम लोग ने उसके वन क्लिक पर 8000 में से अच्छी कंपनीज छाट के निकालना शुरू कर दिए थे, और उसके बाद में क्या किया था, हम लोग ने फेयर वैल्यूज निकालनी शुरू कर दी थी। जैसे ही फेयर वैल्यूज निकल रही थी किसी भी कंपनी की, तो उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग ने वो कंपनी को और अच्छे से एनालाइज करके उसमें एंट्री बनानी शुरू कर दी थी, ओके। अब की बार क्या होगा, हम लोग फंडामेंटल को तो देखेंगे नहीं, बहुत कम देखेंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग ट्रेडिंग की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। आ रही बात समझ में? अब हमारा अप्रोच कोर्स के लिए क्या रहने वाला है, हमारा अप्रोच ये रहने वाला है कि हम लोग ट्रेडर रहेंगे, ओके। तो टेक्निकल एनालिसिस पे पूरा हमारा फोकस होने वाला है। नाउ वी शुड नॉट रिलाई कंप्लीटली ऑन फंडामेंटल एनालिसिस व्हाइल ट्रेडिंग। आ रही बात समझ में? आपको एक दो हफ्ते का अगर ट्रेड करना है तो जरूरत नहीं है भाई फंडामेंटल एनालिसिस करने की, ओके। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर एक 10-15 दिन की मूवमेंट जो होती है ना फंडामेंटल्स की बेसिस पे होती भी नहीं है। यहाँ पर टोटल गेम डिमांड एंड सप्लाई का ही चलता है। यहाँ पर आपको दुनिया भर की कैटेगरी के लोग देखने मिल जाएंगे, कोई इंट्राडे वाले बीच में एंटर हो जाएंगे, कोई पोजिशनल वाले एंटर हो जाएंगे, कोई स्विंग वाले एंटर हो जाएंगे, और प्राइस में मूवमेंट वो लेवल पर होनी शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे लोग फंडामेंटल पर के आए नहीं होंगे, इन लोग लेवल्स देखेंगे, एंट्री बनाएंगे। तो हम लोग को भी क्या करना है, हम लोग को भी लेवल्स देखने, एंट्री बनानी है। अगर प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक करना है, ओके। नाउ एक और एक चीज अभी मैं आप लोग को बोलूंगा, क्यों हम लोग को फंडामेंटल एनालिसिस पे रिलाई करना नहीं चाहिए। मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये चीज, मैं थोड़ा सा स्विंग की तरफ ध्यान दे दो, पोजिशनल की तरफ ध्यान दे दो, मतलब हमारा ट्रेड जो चलेगा 1 वीक 2 वीक, ओके। या तो फिर पोजिशनल में क्या होगा, 1 महीने से 3 महीने, ठीक है। तो ये पूरे लेवल पर क्यों हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस पे रिलाई नहीं करने वाले। ये एग्जाम्पल्स देख लो, यहाँ पर फंडामेंटल्स में हम लोग को एक चीज़ और पता है कि कॉर्पोरेट एक्शंस आते हैं, कंपनी के न्यूज़ वगैरह आती है, और न्यूज़ आती है कि लाई जाती है, ये चीज़ आप लोग को अभी समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर एक कंपनी की न्यूज़ दिख रही है, रिलायंस जियो की। अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे ना तो क्या दिखा रहा है भाई, नेट प्रॉफिट अप बाय 24% ईयर ऑन ईयर, ओके। और क्या दिखा रहा है यहाँ पर भाई, यहाँ पर दिखा रहा है भाई कि इन लोग का जो ARPU राइज हुआ है 175 रुपीज से राइज हुआ है। और ये न्यूज कब की है भाई, जुलाई 22, 2022 की। तो 22 जुलाई की न्यूज है। अब इतनी अच्छी न्यूज है कि 24% से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो अगले दिन का मार्केट क्या होना चाहिए भाई, कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। ये न्यूज देख के आप लोग को क्या लगता है अगले दिन का मार्केट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई अगले दिन का मार्केट? मेरी आवाज अगर आ रही है आप लोग तक, बुल डन। शहबाज भाई बोले बुल मार्केट होना चाहिए। और कोई लोगों को कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या होना चाहिए अगले दिन का मार्केट? अब डन। अब 23 जुलाई की एक हैंडल है, 22 जुलाई को तो न्यूज आई थी, और कितने बजे आई थी ये भी देख लो भाई, 8:30 बजे रात में आई थी, तो मार्केट क्लोज था। अगले दिन मार्केट जस्ट ओपन होने वाला है और न्यूज आ चुकी रात में, ठीक है। तो रात की न्यूज के बाद में अगले दिन का मार्केट देखो आप, कैंडल थोड़ी सी अनसर्टेन है, ठीक है, बड़ी कैंडल है नहीं। पहली बात तो कैप अप ओपनिंग हुई नहीं हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि भाई मार्केट वन साइडेड जो गिरा है बुरी तरीके से गिरा है। तो बात समझ में आ रही क्या मसला होता है यहाँ पर, ये न्यूज बनाई जाती है, पेड प्रमोशंस किए जाते हैं, ये सारे दलाल लोग बैठे हैं आपकी न्यूज़ चैनल्स पर, और बहुत सारे ब्रोकर्स भी बैठे हैं काम करने के लिए। जब इन लोगों को पैसे मिलेंगे तो इन लोग क्यों ना ये न्यूज़ को लेके आएंगे, अरे बात समझ में। तो यही चीज़ ध्यान में रखनी है हम लोग को, कि हम लोग को ये न्यूज़ के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। मैं तो देखता ही नहीं हूँ न्यूज़, ये तो ग्रुप्स पर आती रहती है तो मालूम पड़ जाती है, पर ज़रूरत पड़ती नहीं न्यूज़ की। सेकेंड चार्ट आप लोग को दिखाता हूँ ताकि आप लोग को और थोड़े से प्रूफ्स मिले। रिलायंस का ही चार्ट है भाई, न्यूज़ है भाई, और इस बार न्यूज़ क्या है, प्रॉफिट राइजेस बाय 46%, उसका डबल समझो अब जो हुआ था पहले। रेवेन्यू जंप्स बाय 54%, इतनी शानदार न्यूज़ है। और कितने बजे आई है भाई, 22 जुलाई को ही आई है, रात में आई है 8:40। ओके, और इसके बाद में अगर हम लोग देखें 22 जुलाई को रात में जब आई है तो 23 जुलाई की कैंडल गैप डाउन, जहां गैपअप के लिए हम लोग सोच रहे थे, इस बार क्या हो जा रहा है भाई, गैप डाउन हो रहा है। जो लोगों ने बिचारों ने यहाँ पर मार्केट खुलते से ले लिए रहेंगे और थोड़ा सा 1-2% नीचे एसएल लगाए होंगे, तो सबके एसएल हिट हुए। अगले दिन भी मार्केट का कुछ भरोसा नहीं था यहाँ पर, उसके अगले दिन भी भरोसा नहीं था। जब सारे लोग निकल गए होंगे ना, तब इन लोग की बाइंग शुरू हो गई और मार्केट को लेके गए। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूँ, रिलायंस की एग्जाम्पल छोड़ते अभी कोई और कंपनी की लेते, मारुति सुजुकी की एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। Q1 का प्रॉफिट जम्प्स बाय 130%, 100 के भी ऊपर। और यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आया है, न्यूज जो आई है 4:53, मतलब मार्केट के बाद में आई है। कब आई है भाई, 27 जुलाई को आई है। तो न्यूज आई है अगेन मार्केट के बाद में 27 जुलाई को। तो 28 की कैंडल कैसी होना चाहिए था हम लोग को पता रहना चाहिए, काफी जबरदस्त न्यूज है ये। तो ये 27 की कैंडल है, 28 के दिन देखिए और 29 के दिन देखिए, बुरा हाल। अरे बात समझ में, क्यों मैं ये चीजें आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ कि कभी इसके बाद से आप लोग ने ट्राई करना कि न्यूज ना देखना। न्यूज के भरोसे पे आपके माइंड में कोई एक चीज क्लिक कर जाएंगी और उस तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान भटकेगा और आप लोग लॉसेस करना शुरू कर दोगे। ओके, मैं नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज की है। Q1 का रिजल्ट अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो प्रॉफिट जम्प्स बाय 68% और रेवेन्यू सर्जेस बाय 93%, इतना बढ़ के इन लोग का रेवेन्यू हो गया। न्यूज कब की है भाई, अगस्त 12, 2022, और मार्केट के बीच में की न्यूज है, मार्केट के बीच में की न्यूज है। और टाइमिंग आप लोग देख लो 2:21 PM, मतलब दोपहर का 2:15 का टाइमिंग चल रहा है। अब मैंने चार्ट भी जो बनाया है ना यहाँ पर 30 मिनट्स का बनाया है, ताकि अपन देख ले कि ये जो टाइमिंग के हिसाब से न्यूज़ आई है तो मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये वाला जो टाइमिंग का जो मामला होगा ना, ये आई थिंक 2:15 बजे की कैंडल है, आ रही बस समझ में। 2:15 से 2:45 की जो आधे घंटे की कैंडल होंगी ना, ये न्यूज़ आते से मार्केट का मामला देखो कहाँ तक चला गया, एकदम से गिरा है मार्केट। यहाँ न्यूज़ आ रही है अच्छी वाली और यहाँ पर मार्केट गिर रहा है बुरी तरीके से, एकदम बुरी तरीके से, आ रही है बात समझ में। तो ये सारे फैक्ट्स मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा एक अवेयरनेस हो जाए और सही से दिल में एक बात बैठ जाए कि यार ये चीज़ें नहीं चलती है। ओके, सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी डिस्ट्रॉइंग फॉर ऑल ऑफ अस, कि डोंट एवर रिलाई ऑन इंडिकेटर्स। भाई इंडिकेटर्स के भरोसे हम लोग को कभी नहीं रहना है, इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करना है ये बात नहीं बोल रहा हूँ मैं आप लोग को, इनके भरोसे पर कभी नहीं रहना है। ओके, क्यों नहीं रहना है भाई, इंडिकेटर्स आर लैगिंग, इंडिकेटर्स आर लैगिंग। लैगिंग का मतलब ये है कि इंडिकेटर्स आप लोग को सही से आंसर्स देंगे नहीं। कभी कभी इंडिकेटर्स कोई एक टाइम पर चल जाएंगे, अगली बार नहीं चलेंगे, फिर चलेंगे, फिर अगली बार नहीं चलेंगे, तो ये लैग करते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है इंडिकेटर्स का। ओके, इंडिकेटर्स विल डाइवर्ट योर डायरेक्शन, इंडिकेटर्स आप लोग की डायरेक्शन को डाइवर्ट करने वाले डेफिनेटली। इंडिकेटर्स का मुंह उठा ले, आप लोग ने एंट्री ले ली, उसके बाद अगेन मुंह नीचे कर ले, आप लोग ने सेल मार दिया, फिर मुंह उठा ले। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये क्रॉस ओवर्स के इंडिकेटर्स अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये होने वाला है कि आप लोग की डायरेक्शन डाइवर्ट होने वाली है। यहाँ पर शहबाज भाई बोल रहे हैं इसमें ये नहीं हो सकता है कि न्यूज से पहले ही प्राइस अप हो गया है और उस दिन प्रॉफिट बुकिंग। यस, यही चीज होने वाली शहबाज भाई, जो आपने बोला है यही चीज तो हम लोग करने वाले। तो यहाँ पर हम लोग को यही चीज देखनी है कि हम लोग को क्या क्या चीजें यहाँ पर प्रेडिक्ट करनी है यहाँ पर मार्केट में। नाउ इंडिकेटर ओनली रिवील्स प्राइस मूवमेंट। जब चार्ट बनता है ना तो उसके पीछे का फिनोमिना ये होता है कि नीचे टाइम, साइड में प्राइस, ये दो डेटा की बेसिस पे कोई भी इंडिकेटर बनते हैं और ऑसिलेटर्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी इंडिकेटर्स बनते हैं तो प्राइस की मूवमेंट के बाद ही बनते हैं। ओके, और प्राइस की मूवमेंट किसी को अगर पहले से पता है ना कि क्या होने वाली है तो इंडिकेटर से पहले उसकी एंट्री होंगी या प्रॉफिट बुकिंग हो जाएंगी। हमारी बात समझ में? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डजंट प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस। इंडिकेटर कभी भी फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करके बता ही नहीं सकते। हमारी बात समझ में? कोई ऐसा इंडिकेटर मे भी होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं जो फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट कर ले सीधा, ठीक है। नो बेनिफिट फॉर स्किल ट्रेडर्स, क्योंकि चार्ट ट्रेडर्स जो होते हैं ना उन लोग के एनालिसिस कुछ और होते हैं, इंडिकेटर्स की बेसिस पे काम नहीं करते। उन लोग कुछ ना कुछ लेवल पे सपोर्ट के लिए इंडिकेटर को लेते हैं बट उस पर भरोसा नहीं करते। ओके, यहाँ पर मैं अगेन एक चीज आप लोगों को बोलूंगा कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर यूज नहीं करना है बट इस पर भरोसा नहीं करना है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स बताना आप शुरू करूंगा। यहाँ पर देख लीजिए ये जो एक चार्ट बना है, आमतौर पर देखा रहेगा आप लोग ने, कुछ लोग चार्ट्स को इस तरीके से भर देते हैं और हम लोग को भी लगने लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर है, बट यहाँ पर होता क्या है देख लो। इतना बड़ा चार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये सिंपल से चार्ट को इतना बड़ा बना दिया इसने भाई ने, और प्राइस की मूवमेंट दिख नहीं रही है यहाँ पर बट इंडिकेटर्स की बहुत सारी लाइंस दिख रही है यहाँ पर। तो इस बीच में कोई क्या समझेगा भाई, बॉलिंजर बैंड्स भी लगे, दूसरी चीजें भी लगी है, नीचे क्या ऑसिलेटर्स लगे हैं, मैगडी लगा है, स्टॉकस्टिक आरएसआई लगा है, और लेफ्ट साइड वाले चार्ट में बॉलिंजर बैंड्स लगा है और मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर्स लगे हैं। तो इतने सारी चीजों के बीच में हम लोग को प्राइस ऐसे दिख के नहीं आ रही है। आ रही बात समझ में? तो ये बेसिस पे सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये होने वाला है कि हम लोग को प्राइस की मूवमेंट जो चल रही है ना वो हमसे मिस हो जाएंगे, हम लोग के प्रेडिक्शंस यहाँ पर वीक हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाला इंडिकेटर देख लीजिए, ये चार्ट को देखिए, कोई क्या बताएगा भाई कहाँ पर प्राइस है, किधर है अभी, ये इंडिकेटर क्या इंडिकेशन देना चाह रहा है, क्या समझ में आ रहा है? मे भी इसमें लेवल्स निकल रहे हैं, समझ में आ रहा है भाई, ऊपर और नीचे के लेवल्स निकल रहे हैं बट किस तरीके से इसको सजाया गया है, इसमें प्रेडिक्शन होने वाला है नहीं होने वाला है, आई डोंट नो। तो एक चीज ध्यान में रखना कि इस तरीके से हम लोग को सजाना नहीं है, चार्ट को जितना हो सके हम लोग को सिंपल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ मैं कुछ अपने वाली पे। यहाँ पर ये वाला एक चार्ट है जिसमें क्या हो रहा है कि ऊपर के लेवल पर क्या हो रहा है, हम लोग को दिख रहे हैं बॉलिंजर बैंड्स प्लस क्रॉसओवर्स दिख रहा है। किसका दिख रहा है भाई? ईएमए हमने लगा दिया है 5, 10, 21 बॉलिंजर बैंड लगा दिया है, नीचे की तरफ हमने लगा दिया आरएसआई और उसके नीचे लगा दिया हम लोग ने स्टॉकस्टिक आरएसआई। इस पूरे बीच में प्राइस की मूवमेंट सही से समझ में नहीं आ रही है क्योंकि ये चार्ट इस तरीके से गजबज कर रहा है पूरे मार्केट को और पूरे चार्ट को कि हम लोग को सही से प्रेडिक्शन होने नहीं वाला है। ओके, नीचे ये वाले केस में देखो गोल्डन क्रॉसओवर काफी फेमस स्ट्रेटेजी होती है। लोग बोलते हैं भाई कि जब 50 ने 100 को काट दिया तो यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर होता है और एंट्री बना लेना चाहिए। बहुत लोगों को इसके रूल्स पता नहीं होंगे, बहुत से ये बोलेंगे भाई साइडवेज में मार्केट चल रहा है तो क्यों ये काम करेगा। तो ये मार्केट यहाँ तक भी साइडवेज में ही है, यहाँ पर भी गोल्डन क्रॉसओवर जब हुआ तो प्राइस की मूवमेंट बहुत लेट प्रेडिक्ट हुई है, उससे पहले मूव कर चुका था प्राइस, अगर आप देखेंगे इसको तो। आधी बात समझ में? अब नेक्स्ट वाले चार्ट में देखो, स्टार्ट में गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, लोगों ने एंट्री लिया यहाँ पर और एंट्री लेने के बाद में प्राइस वो एक रेंज में चली 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 चली, फिर डेथ क्रॉसओवर हो गया। डेथ क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मूविंग एवरेज 50 ने 200 को नीचे काट दिया, अब लोगों ने यहाँ पर सेल करना शुरू कर दिया। जैसे ही सेल किया वहां पर फिर से प्राइस ऊपर चली गई और गोल्डन क्रॉसओवर हो गया। उसके बाद क्या हो गया? गोल्डन क्रॉसओवर हो गया और यहाँ पर फिर लोग बैठ गए इसको लेने के लिए, फिर अगेन थोड़े टाइम के बाद में क्या हो गया? डेथ क्रॉसओवर हुआ। तो किस तरीके से आपकी, मैं बोल रहा था ना, आपकी डायरेक्शन को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये चीज होती है कि हम लोग इसके भरोसे पे रह नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं, मैगडी की अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर किसी की भाई स्ट्रेटेजी को यहाँ पर बदनाम करने नहीं आया हूँ और बस जो मेरी फाइंडिंग्स मैं आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैगडी के बारे में बोला जाता है कि मैगडी का अच्छा क्रॉसओवर कब होता है, जब ये जो हिस्टोग्राम है ना ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। अगर मैगडी की लाइन और ये जो सिग्नल लाइन है ना दोनों नीचे जीरो लाइन को ऊपर क्रॉस कर रही है, ये मैगडी का मेन स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर लोगों ने ये वर्टिकल लाइन के बेसिस पे एंट्री बना ली यहाँ पर मैकडी के लेवल पर, और डेफिनेटली उसके बाद में मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, जब हम लोग प्राइस एक्शन करते हैं ना तो हमारी एंट्री कहाँ पर होती है मालूम, देख लो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख लो। हमने यहाँ पर एक प्रो गैप पकड़ा था और प्रो गैप के बाद में हमारी एंट्री नीचे हो गई थी। ये एरो के जरिए आप देख सकते हैं, मैंने एंट्री डिफाइन की है, तो ये एरो में आप लोग देख लीजिए। आप लोग को अगर दिख रहा है तो आप बता सकते हैं कौन से मंथ में एंट्री मिली थी, चैट बॉक्स में अगर आप लोग बता सके तो। हमको एंट्री कौन से मंथ में मिली थी और मैकडी के हिसाब से एंट्री कब मिली है, भाई किसी को अगर समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में आप बता सकते कि हमको एंट्री कब मिली थी और मैकडी से एंट्री कब मिली। मे बी शायद स्ट्रीमिंग में आपको थोड़ा सा मेरा रिप्लाई लेट पहुंचे, मुझे यहाँ पर आपके रिप्लाईज नहीं आ रहे, भाई कोई बता सकेगा यहाँ पर? प्लीज डू रिप्लाई। मई में एंट्री हम लोग को मिली, डन। जून में हम लोग को मैकडी की एंट्री मिली, थैंक यू सो मच भाई। तो यहाँ पर एक चीज यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी बंदे को अगर ये इंडिकेटर की मूवमेंट से पहले अगर प्राइस एक्शन पता हो तो उसकी एंट्री बहुत अच्छी रहेंगी। ये इतनी सडन मूवमेंट थी ना कि प्रो गैप बन गया था यहाँ पर। प्रो गैप पर प्राइस है ना एक मैग्नेट की तरह आती रहती है, ठीक है, तो उसको हम लोग डेफिनेटली ना आंख बंद करके एंट्री पॉइंट बना लेते हैं। डेफिनेटली इसकी 100% मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्यूरेसी होती है, इसमें भी फेलियर्स आते हैं, ओके, बट एक हम लोग के लिए तो जजमेंट यही है ना कि हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर एक इंडिकेटर के हिसाब से मैं देखूँ तो एक चार्ट मुझे दिख रहा है, अब ट्रेंड में चल भी रहा है, और यहाँ पर हमारा जो मैकडी है ना, मैकडी ने एक सिग्नल दे दिया है। यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे ना तो मैकडी ने सिग्नल क्या दिया है कि यहाँ पर सेल कर दो भाई, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सिग्नल, ये ग्रीन कैंडल जो मैं आप लोग बता रहा हूँ ऊपर की तरफ, और नीचे मैकडी का सिग्नल देख लो। तो यहाँ पर लोगों ने ये वाले पॉइंट पे सेल करना शुरू कर दिया जहाँ पर मैंने एरो रखा है मैकडी के सिग्नल का। ठीक है, अब अगर हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी देखें तो हमने कहाँ पर टेक प्रॉफिट किया था, हमने उसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। मैकडी के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग नीचे हो रही है, मतलब हमारा इतना प्रॉफिट तो हाथ से चला गया, ये जो प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ से चला गया। क्यों हमने प्रेडिक्ट किया था ये, क्योंकि यहाँ पर बना था एक स्ट्रॉन्ग हाई, यहाँ पर बन गया था एक स्ट्रॉन्ग हाई। स्ट्रॉन्ग हाई के पास प्राइस पहुंच नहीं पाती है, बहुत बुरी तरीके से फेंकी जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको क्रॉस नहीं करेंगी, बाद में टाइम लेंगी इसको क्रॉस करने में, बट फर्स्ट टाइम जब जा रही है ना इसके पास तो बुरी तरीके से फेंकी जाएंगी। ओके तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया थोड़ा ऊपर और मैकडी का सिग्नल आया काफी नीचे। ओके नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पर है वीवैप प्लस स्टॉकस्टिक आरएसआई। ठीक है, अब नीचे आप लोग को ऑसिलेटर दिख रहा होगा स्टॉकस्टिक आरएसआई का, और ऊपर आप लोग को चार्ट दिख रहा है जहां पर वीवैप लगा है। ये दोनों मिलकर इंट्राडे में अच्छा काम करते हैं ऐसा बोला जाता है। अब अगर चार्ट आप लोग देखें ना तो नीचे आपके ऑसिलेटर ने सेल का सिग्नल दे दिया है, कौन से पॉइंट पर, जो मैंने ऊपर भी हाईलाइट किया है प्राइस पर, देख लीजिए सेल का सिग्नल दिया और बाद में प्राइस का मामला क्या हुआ भाई, प्राइस वहां से निकली अप ट्रेंड में, प्राइस वहां से निकली है अप ट्रेंड में। कोई बंदा बोले कि भाई सिग्नल देख लेता और, तो सिग्नल वहां से नीचे जा रहा है, सिग्नल वहां से नीचे ही जा रहा है, नीचे अगर आप देखें तो। बाद में इसने क्या किया ऑसिलेटर ने, अगर मैं नीचे आपको बताऊं, नीचे देख लो बाय का सिग्नल दे दिया है, ये क्रॉस ओवर हुआ है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर लोग बाय करने बैठ जाते हैं। ऊपर अगर मैं वही लेवल पे बाय करने बैठ गया हूँ तो वहां से मार्केट नीचे गिर गया। तो इसने जब सेल दिया तो वहां से मार्केट ऊपर गया, इसने जब बाय दिया तो वहां से मार्केट नीचे गया। ओके तो इंडिकेटर्स को समझना भी एक इंपॉर्टेंट कला है, बट यहाँ पर इंडिकेटर लैग करते ही है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने काफी होमवर्क करके रखा है और आप लोग भी करें बिल्कुल। यहाँ पर नीचे मैकडी ने अगेन जीरो लाइन को क्रॉस ओवर दे दिया ऊपर, और दोनों भी लाइन है ना जीरो लाइन के ऊपर चल रही है, सिग्नल लाइन भी और मैकडी की लाइन, और हिस्टोग्राम भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस में भी अगर हम लोग देखें तो ऊपर बाय का सिग्नल मिल रहा है हम लोग को। जैसे ही हमने बाय के सिग्नल पे एंट्री बना ली, उसके बाद से जो बुरी तरीके से गिरा है मार्केट, ये सीधा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। कई दिनों तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये कि वन डे का चार्ट है, तो एक दो महीने तक तो आपके पैसे पूरे अटके हुए इसमें, एक दो महीने क्या 3 महीने तक, आ रही बात समझ में। और ये बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग को बताता भाई नीचे एक कंट्रोलिंग डिमांड जोन है, और कंट्रोलिंग डिमांड जोन में इतना पावर होता है ना कि प्राइस वहां तक आती है। मैं दूसरे डिमांड जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एडवांस कोर्स में बहुत सारी चीजें और देखने वाले ना, तो वहां पर हम लोग कंट्रोलिंग जोन्स भी देखेंगे, टॉप सीक्रेट्स में होंगे ये। तो कंट्रोलिंग जोन तक जो भी है ना प्राइस आती है, तो हम लोग क्यों ऊपर जाके इसको बाय कर ले। हम लोग को जब दिख रहा है कि नीचे इनका पूरा बाप बैठा है, तो हम लोग जाएंगे नीचे, आने देंगे प्राइस को। और कंट्रोलिंग जोन पे आप खुद ही देखो ना, डब्ल्यू बन गया है यहाँ पर, डबल बॉटम बोलिए, इसको ट्रिपल बॉटम बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए। और उसके बाद से प्राइस की रैली देखिए, ये चार्ट आगे भी जाके और कंटिन्यू हुआ था। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो भाई यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट इसी तरीके से कर पाएंगे। अगर आ रहा है तो मैं डन समझता हूँ, या मेरी स्पीड भी ठीक है या मुझे थोड़ा स्लो करना चाहिए। शहबाज भाई डन, शोएब भाई डन, महबूब भाई डन, ओके। तो यहाँ पर और एग्जाम्पल में बताऊंगा डेफिनेटली आप लोग को। यहाँ पर बाय का सिग्नल मैगडी के हिसाब से मिला था, देखिए नीचे क्रॉसओवर, और ऊपर चार्ट पे भी देख लीजिए बाय का सिग्नल मिला है, और उसके बाद से मार्केट फिर से डाउन हो गया। अगेन सेम चीज आगे के लेवल पर हुई कि नीचे मैगडी ने फिर क्रॉस हम लोग को दे दिया भाई बाय का सिग्नल, और मार्केट उसके बाद में फिर डाउन हो गया। तो इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ तो कोई रहेगा नहीं ना रेडी। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बात होगी कि हम लोग को कुछ ना कुछ तो हमारे इंडिकेशंस लगाने होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर एक अच्छा क्वालिटी का डिमांड जोन था, मे बी शायद, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में नहीं दिखाया मैंने, यहाँ पर मैं एरो से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक अच्छे क्वालिटी का डिमांड जोन था। तो वो बेसिस पे प्राइस यहाँ तक अट्रैक्ट होकर आ गई और वहाँ से रैली करते निकल गई। अरे बस समझ में, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोग को बॉटम कैचिंग करने की कोशिश कराओ। जरूरी नहीं कि हम लोग बॉटम को ही कैच करें, बट कोशिश तो पूरी करेंगे कि हम लोग एक ऐसी प्राइस पे ले लें कोई भी स्टॉक को जिसमें हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले इंशाल्लाह, ठीक है। और ऐसे लेवल पे जाके प्रॉफिट भी बुक कर ले कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट आप लोग को दिखा दो आरएसआई का। मैं यहाँ पर आरएसआई की मोमेंटम अगर कोई इंसान बोले तो यहाँ पर आरएसआई ने यहाँ पर मुंह मोड़ना शुरू किया बुरी तरीके से। आप लोग नीचे के बॉक्स को देखिए, और कोई भी बंदा बोलेगा कि यहाँ पर आरएसआई ने सेल का सिग्नल दे दिया है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ऊपर अगर मैं देखूँ तो सेल दो बड़ी कैंडल बन भी गई रेड वाली, और उसके बाद तो मार्केट नीचे जाना चाहिए था ना। उसके बाद से मार्केट ऊपर गया और कंसोलिडेट होके और थोड़ा सा ऊपर गया। तो यहाँ पर ये बाय सेल बाय सेल बाय सेल नीचे देते रहेगा, और यहाँ पर हम लोग ऊपर कंफ्यूज होते रहेंगे, और कुछ और नहीं होने वाला है भाई। ये हम लोग को सिर्फ उलझा के रखने वाला है। आ रही बात समझ में? और कोई चार्ट है कि हाँ है? यहाँ पर ये वाला चार्ट मैंने जो बताया ना, सबसे पहले मैं आप लोग को ये स्ट्रेटेजी समझाता हूँ कि स्ट्रेटेजी है क्या। ये वाली जो स्ट्रेटेजी है इसका नाम है एबीसी। आप में से किसी ने सुना हो तो यस लिख लीजिए चैट बॉक्स में, यस एबीसी ऐसा करके लिख लीजिए ताकि मुझे ये वाले इमेज का रिप्लाई मिले। एबीसी स्ट्रेटजी अगर किसी को पता है, मैं बताऊंगा किसने बताया था। ये काफी फेमस है, महबूब भाई को मालूम है। महबूब भाई तो हमारे एक्सपर्ट ही है भाई, उनको हर चीज पता होती। शोएब भाई नहीं पता है, और किसको पता है भाई? शहबाज भाई को तो पता ही होगा डेफिनेटली, इम्तियाज भाई को नहीं मालूम है, साबिर भाई को भी नहीं मालूम है, या सही रुकनुद्दीन भाई को मालूम है। डन, चलो ठीक है। तो यहाँ पर एबीसी स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि आपको बॉलिंजर बैंड लगाना है, और उसमें हम लोग को छुपा देते हैं थोड़ा सा कुछ पार्ट। हम लोग सिर्फ लोअर वाला पार्ट रखते हैं, लोअर बॉलिंजर बैंड का जो नीचे वाली लाइन होती है ना, सिर्फ उसको हाईलाइट करते हैं हम लोग, ऊपर की छुपा देते हैं। और ये बीच की लाइन नहीं है, ये मैंने क्या है मूविंग एवरेज 50 को लगा के रखा है, रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ना वो। और थर्ड नंबर पे क्या होता है, इसमें एक कैंडल होती है। तो एबीसी बनता कैसा है, ए मतलब मूविंग एवरेज, मतलब ये रेड कलर की लाइन दिख रही ना ये, बी मतलब क्या बॉलिंजर बैंड का लोअर पार्ट, ठीक है, और सी मतलब कैंडल। ये तीन चीज जब एक जगह पर आ जाती है ना तो वहां पर प्राइस में शूटअप होता है। प्राइस में क्या होता है, शूटअप। जैसे ये वाले केस में देख लो क्या हुआ कि तीन चीज एक जगह पर आ गई, और यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल भी बनना चाहिए, मतलब हैमर बनना चाहिए, मॉर्निंग स्टार बनना चाहिए, जो भी बने। उसके बाद में प्राइस में शूटअप आता है, देखो ये शूटअप दिख रहा है। अगेन क्या हुआ, और ये पूरा काम होता कब है, राइजिंग मूविंग एवरेज पे पूरी स्ट्रेटेजी वर्क करती है कि मूविंग एवरेज का मुंह एकदम उठा हुआ होना चाहिए और राइजिंग होना चाहिए, ठीक है। सेम चीज आगे भी हुई ना कि तीनों एक साथ मिल गए, प्राइस ने शूटअप करना चाहिए था। लोग ये पीछे भरोसे पे देख के या पिछला पूरा इंडिकेशन देख के यहाँ पर एंट्री कर चुके होंगे, और यहाँ से मार्केट जो गिरा है देखिए, यहाँ से गिरा है। तो क्यों गिरा है भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो नीचे अगर आप देखेंगे ना बैक डेटा, तो इंस्टीट्यूशन की एक एक्टिविटी होती है अक्यूमुलेशन करना, और यहाँ पर पीछे जब इतने टाइम के लिए अक्यूमुलेशन हुआ था तो क्यों ना प्राइस यहाँ पर फिर से एक बार आए, क्योंकि इससे पहले तो आई नहीं है। तो ये एरिया मेरे लिए फ्रेश हो चुका है, तो देखो एग्जैक्टली ये वाले लेवल पे आके टच करके कैसे शूटअप करिए प्राइस। मे भी शायद चीजें थोड़ी सी समझ में आने लग गई होंगी कि क्यों बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोग को ये चीजें, और क्यों मैंने इतने चार्ट्स आप लोग के सामने होमवर्क करके रख लिए हैं, ताकि थोड़ा क्लैरिफाई कर सकूँ चीजों को। समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? कुछ लोगों को ये चीजें पहले से पता चल गई है, तो मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा, और मे भी शायद उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया रहेगा मार्केट में काम करने का। बट अभी क्या हो रहा है कि हम लोग को ये चीज़ अगर नहीं पता है ना तो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोग एक चीज़ बताऊँ तो बॉलिंजर बैंड की एक स्ट्रेटेजी होती है कि कैंडल ने जब नीचे का सिरा छोड़ दिया है ना, ओके, थोड़ी सी बाहर आ गई है ना, और वहाँ पर ऐसी रिवर्सिबल कैंडल भी आ गई है ना, तो इट इज़ ए कन्फर्म बाइंग सिग्नल, हरी बात समझ में। और यहाँ पर बाइंग सिग्नल बनते भी अगले दिन की कैंडल भी कोई बोले कि यार क्लोजिंग के ऊपर इसने क्लोज दे दिया है तो यहाँ पर कन्फर्म बाइंग हो जाती है। बट उसके अगले दिन क्या हुआ भाई, मार्केट ही डाउन हो गया और बुरी तरीके से हुआ, उसको फिर उठने में टाइम लग गया, हरी बात समझ में। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ रहेगा कि यहाँ पर बाइंग सही से नहीं हुई है, कई दिन तक क्लोजिंग नीचे आ रही है, कैंडल ने भी नीचे थोड़ा छोड़ दिया, अगले दिन की कैंडल भी उल्टी बन गई, हर चीज प्रॉपर दिख रही है और यहाँ पर हमने बाय भी कर लिया और मार्केट नीचे गिर गया। क्यों हुआ भाई, नीचे हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन पड़ा हुआ था इसके नीचे, और देखिए आपकी ये डिमांड जोन को टच करके ही प्राइस निकली है और उसके बाद से वन साइडेड रैली चली रही है, मार्केट ने सीधा अप ट्रेंड ले लिया है, आ रही बात समझ में। तो समझो इस चीज को कि क्या होती है ये चीज़ें, डिमांड सप्लाई होता क्या है, इस पर काम कैसे किया जाता है, ठीक है। और कोई एग्जांपल होंगी तो ये एक दिख रही है, देखो अगेन बॉलिंजर बैंड का पूरा ये जो कैंडल है नीचे बनी है, पूरे बैंड को नीचे छोड़ दिया इसने, इसके बाद में ग्रीन कलर की कैंडल्स बनना शुरू हो गई, मॉर्निंग स्टार बन गए, सारी चीज़ें बननी शुरू हो गई। अब तो कोई भी इंसान बोलेगा ना कि भाई यहाँ पर तो एंट्री बनती है ना, उसके बाद से मार्केट सीधा नीचे चला गया। तो नीचे चला गया तो क्यों गया भाई, इसके पीछे रीज़न था क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे थोड़ा सा एक डिमांड जोन था, तो डिमांड जोन को टच करते से लोगों को प्रॉफिट्स मिल जाते, जो 1:2 1:3 खेलते हैं ना उन लोगों को वही प्रॉफिट मिल जाते हैं एक हफ्ते के अंदर या एक दो दिन के अंदर। बाद में फिर से जब आते हैं ना वहाँ पर प्राइस, तो अगेन आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं, देखो उसके बाद फिर अक्यूमुलेशन हुआ, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑर्डर हुआ और वन साइडेड क्या निकली है प्राइस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनी डिमांड जोन। इसमें बहुत से लोगों को ये पता होगा कि यार डिमांड जोन बनाते कैसा है, इस पर काम कैसे करते हैं, बट डिमांड जोन भी फेल होते हैं, है ना, सप्लाई जोन भी फेल होते हैं। तो इस पे अब हम लोग को काम थोड़ा सा मजबूत करना है, यूट्यूब पे एकदम इस पे वर्क कैसा किया जाता है डिटेल में, इतना डेटा आप लोग को मिलने नहीं वाला है। कोई इंसान अगर सोच रहा होगा कि यूट्यूब कर लेता हूँ तो एकदम डिटेल में डेटा होता नहीं है, तो इसलिए कोशिश करेंगे हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर बस एक लास्ट चीज़ आप लोग को बताऊँगा आज के लिए कि इंडिकेटर्स हमेशा हमारे लिए नुकसान नहीं करते, कुछ इंडिकेटर्स को हम लोग भी यूज़ करते हैं, ओके। कुछ इंडिकेटर्स से हम लोग को हेल्प भी मिलती है। कौन से इंडिकेटर्स होते हैं वो इंडिकेटर्स जो हम लोग को डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम दिखाते हैं, ओके, क्योंकि हमारा पूरा खेल ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है, सप्लाई और डिमांड का है। तो हम लोग को ये लेवल्स मिलेंगे कैसे, एक तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडिकेटर्स के थ्रू सपोर्ट सीखेंगे। तो यहाँ पर दो इंडिकेटर और दो मूविंग एवरेजेस बहुत ज्यादा काम आते हैं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मार्केट आजकल के दौर में जो चल रहा है ना इसको रिस्पेक्ट करते हैं प्राइसेस। एक होता है इसमें मूविंग एवरेज 50, मतलब मैं सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, और दूसरा इसमें होता है भाई मूविंग एवरेज 200। तो ये दो ऐसे मूविंग एवरेजेस है ना जिसमें बोला जाता है कि अगर मूविंग एवरेज 200 के ऊपर प्राइस चल रही है ना तो ऐसी प्राइस को एक्चुअली में हम लोग अप ट्रेंड की प्राइस बोलते हैं, और जैसे ही उसने 200 को क्रॉस करना शुरू किया ना तो समझ जाओ कि उसका जवाल आ गया है, अब वहां से वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, आ रही बात समझ में। तो मूविंग एवरेज 50 और 200 को हम लोग हमेशा डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज करने वाले हैं, और एक इंडिकेटर हम लोग यूज करने वाले हैं वो मूविंग एवरेज ही है, वो रहेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, बट EMA कभी भी लोवेस्ट वैल्यू पे काम अच्छा करते हैं, तो हम लोग EMA 20 यूज करने वाले। एक आप लोगों को सीक्रेट और बता दूं मैं, ये कभी भी क्रॉस ओवर्स के पे आप काम करो ना और छोटे टाइम फ्रेम के लिए काम करो ना, मूविंग एवरेज भी छोटा ले रहे होंगे ना 5, 10 या 21 जो भी या 20, तो वहां पर EMA यूज किया करो, और बड़े में ना EMA मत यूज किया करो, बड़े में आप लोग सिंपल ही यूज किया करो, 50 हो गया, 200 हो गया, 100 हो गया, और छोटे में क्या करेंगे 5, 10, 20 ये जो भी होते हैं ना इसमें हम लोग EMA यूज करते हैं। तो हम लोग 20 EMA यूज करने वाले हैं, बट टॉप सीक्रेट है, वो क्यों करेंगे उसके पीछे के रीजन हो गए, ओके। तो यहाँ पर 50, 200 और EMA हम लोग 20 यूज करने वाले हैं, इसके पीछे रीजन है, ठीक है। सो प्रोफेशनल ट्रेडर्स कंबाइन मार्केट नॉलेज विद टेक्निकल इंडिकेटर्स टू प्रिपेयर द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो अगर इंडिकेटर वाकई में हमारे काम के है तो हम लोग यूज करेंगे, बट एक हमारी स्ट्रेटेजी भी बनेगी और हमारे प्राइस एक्शन भी वहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे, और तड़का लगाने के लिए डिमांड सप्लाई लेके आएंगे हम लोग, और इंशाल्लाह देखना ऐसा सेटअप बनेगा जो काफ़ी काम करेगा, ठीक है। तो ये एक स्लाइड को अपने माइंड में एकदम याद कर लेना, और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में सेव कर लो, रिकॉर्डिंग्स तो मिलने वाली है बट इसको ले लेना। हम लोग करने वाले हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस, और क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं कल के दिन से, हम लोग देखने वाले हैं चार्ट्स, हमारा काम ही पूरा चार्ट्स पे रहेगा, हम लोग का काम फंडामेंटल एनालिसिस पे नहीं होगा, ठीक है। ट्रेंड्स पकड़ना शुरू करेंगे, चार्ट्स के साथ देखेंगे, ट्रेंड्स पकड़ना शुरू करेंगे। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज बाउंड मार्केट, जो भी हम लोग को दिख रहा है अपनी आंखों से देखेंगे, ठीक है। प्राइस मूवमेंट पकड़ना शुरू करेंगे, कैसी चल रही है, विथ वॉल्यूम देखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को प्रूफ लगेंगे और हम लोग को सपोर्ट लगेंगे चीजों के। पैटर्न्स ढूंढना शुरू करेंगे और पूरा पूरा खेल जो रहेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही होगा, जिसमें हम लोग डिसाइड करेंगे व्हाट इज अवर एंट्री पॉइंट, व्हाट इज अवर एग्जिट पॉइंट। और सबसे टॉप लेवल का इंडिकेटर जिसमें मैं आप लोग को दूंगा जो सही में काम करने वाला है, और वो कुछ और नहीं है, वो आप लोग की आंखें। और आप लोग की आंखों ने अगर ये पॉइंट्स को क्लिक कर दिया है ना, तो इंडिकेटर आपका बन चुका है। अगर चीजें पसंद आ रही है तो यस कर लीजिए। आज का मामला हम लोग हो सके तो यहीं पर फिनिश करेंगे और कल के दिन से इंशाल्लाह शुरुआत करेंगे चीजों की। आज का अगर लेक्चर समझ में आया है तो आप लोग यस लिख सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा दिल से पढ़ाने की, बस आप लोग दुआ करिए। जब आप लोग दुआ करेंगे और इंटरेस्टेड होंगे ना, अल्लाह मेरी जबान में भी कुछ ऐसी तासीर दे देगा, और अल्लाह मेरी जबान को भी खोल देगा, दिमाग को भी खोल देगा। और मैं तो यही कोशिश में लगा हूं, इंशाल्लाह अल्लाह मेरे दहन को खोल दे, दिमाग को खोल दे, जितना मुझे आता है पूरा पूरा बता दूं, कुछ भी दिमाग में बचा ही ना रहे। इंशाल्लाह पूरा दिमाग खाली करना है। डिमांड सप्लाई से लॉन्ग टर्म, मिड टर्म में बैठ सकते हैं। हाँ, हर चीज कर सकते हैं। डिमांड सप्लाई हर चीज, टाइम फ्रेम खाली चेंज करनी है। एक चीज और मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन ही है ना हमारा, तो एक चीज बता देता हूँ। वो ये रहेंगी कि हम लोग आज के दिन कोर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चीज हम लोग करने वाले कोर्स में, ठीक है। तो एक सीन मुझे ऐड करने दो। आज के दिन हम लोग, एक मिनट, देखो ये मैंने ना एक ये बनाया है, मैं इस पे पहले कर लेता हूँ डन, एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। एक मिनट, स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं, एक दो मिनट बस। जल्दी जल्दी आज के दिन ये इस गड़बड़ में रह गई, क्योंकि कोई है ही नहीं भाई बैक सपोर्ट के लिए, मुझे सब करना है, भूल जा रहा हूँ चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे आज के दिन, डेस्कटॉप पे है एडवांस, तो अगर आप लोग को ये PNG दिख रहा है तो मैं दिखाना चाहूँगा आप लोग को। एक मिनट, ओके, ये आप लोग को दिख रहा है कि देखिए एक इमेज आपके सामने आई होंगी जो कोर्स की है कि हमारा कोर्स कौन से फ्लो में चलने वाला है। तो यहाँ पर स्टार्ट होगा ये पूरा कोर्स। हम लोग इंट्रोडक्शन में आज एक चीज़ हम लोग ने देख ली है कि वर्ल्ड की नंबर 1 स्ट्रेटेजी जो होती है प्राइस एक्शन होती है, जिसके 5 पॉइंट हम लोग ने देख लिए थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। इसके बाद में क्या करने वाले हैं हम लोग कल के दिन से, प्राइस मूवमेंट्स होती क्या है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें ये देखेंगे। इसमें रिट्रेसमेंट्स कैसे आते हैं, डॉस थ्योरी क्या बोलती है ये देख लेंगे हम लोग। देन प्राइस के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होते क्या है ये हम लोग देख लेंगे। देन वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे, ये थोड़ा सा डिटेल में करेंगे हम लोग। वॉल्यूम प्रोफाइल भी यहाँ पर लेके आ जाएंगे, और वॉल्यूम प्रोफाइल सीखने के बाद में उस पर 4 ऐसी स्ट्रेटेजी है जिस पर हम लोग वर्क करते हैं, मे भी शायद यूट्यूब पे मिलेंगी आपको, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। और उसके बाद में चार्ट पैटर्न्स पे आना शुरू करेंगे, ठीक है। जब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, फिर हम लोग चार्ट पैटर्न्स पे आएंगे और हम लोग ये तीनों कैटेगरी के चार्ट पैटर्न्स पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें एक होगा रिवर्सल चार्ट पैटर्न, और दूसरा कौन सा होगा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स जिसमें ये सारे आएंगे, और तीसरा होगा न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, चार्ट पैटर्न्स बनाना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हमारे बनाने का तरीका लोगों के तरीके से काफ़ी अलग होगा, हम लोग हर चीज़ अलग तरीके से करने वाले, क्योंकि हम लोग को प्रोफेशनल बनना है ना इंशाल्लाह। तो हम लोग की वैलिडिटी भी अलग होंगी, कोई भी पैटर्न को बनाने की वैलिडिटी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्राइस एक्शन पे मास्टरी की होंगी और लोग पैटर्न्स बनाने में इतने एक्सपर्ट होंगे कि चार्ट देखते से बनाते होंगे, बट हमारा तरीका टोटली उनसे अलग होने वाला है। हम लोग इस तरीके से ढूंढेंगे जो काम आने वाले पैटर्न से, मतलब पैटर्न तो बना है बट वैलिड भी है कि नहीं है वो हम लोग देखेंगे, कुछ पॉइंट्स उसमें देखने पड़ते हैं, तो वो तरीके से हम लोग बनाएंगे तभी उस पर काम करेंगे। दैन ये पैटर्न्स पे प्रॉफिट बुक कब करते हैं तो मेजरमेंट टेक्निक सीख लेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। इसके बाद में तड़का देना शुरू करेंगे, पूरे हमारे जितनी भी चीज़ें सीखी है हम लोग एडवांस प्राइस एक्शन का तड़का देना शुरू करेंगे इसको। डिमांड एंड सप्लाई भी आ जाएंगे डायरेक्टली, चारों कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे हम लोग उसके, रैली बेस रैली एंड ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप और रैली बेस ड्रॉप। उसके बाद में हम लोग एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करेंगे कि डिमांड सप्लाई से सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग क्यों होते हैं, ये चीज़ें देख लेंगे हम लोग। दैन स्ट्रेटेजीज पे काम करना शुरू करेंगे, ये सारी स्ट्रेटेजीज होती है भाई, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस वाली ये तो सिंपल है। ओपन ड्राइव एक होती है ए बी इक्वल टू सी डी, दैन सेशन ओपन क्या होता है, डेली ओपन क्या होता है, वीकली ओपन क्या होता है, हाई और लो क्या होते हैं। दैन हम लोग हमारे माइंडसेट को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे कि कैसे हम लोग को काम करना है, टाइम फ्रेम के सिलेक्शन कैसे देंगे हम लोग देखेंगे, स्ट्रेटेजीज की बेसिस पे हमारे सिलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। जैसे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी एक होंगी, इसमें एक रिट्रेसमेंट होंगी, तो तीन टाइम फ्रेम को मिला के हम लोग काम करेंगे और हमारा काम इंशाल्लाह वैलिड रहेगा। थोड़ा हम लोग जो भी ट्रेड में एंट्री बनाएंगे बहुत सारे उसके रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसको फॉलो करते हुए एंट्री बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे सेटअप यहाँ पर पूरे रेडी हो जाएंगे। अब जिसको जो भी सेटअप पे काम करना है या चार्ट पे जो सेटअप उसको दिख रहा है ना वैसा वो काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आएंगे सीधा टॉप सीक्रेट्स पे, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे जिसको मैं सुपर एडवांस भी बोल दूँ यहाँ पर, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी होती क्या है, फील्ड एंड फील्ड ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये तो ऊपर ही कवर हो जाएंगे। इनविजिबल कैंडल्स कैसा पहचानना है पूरे चार्ट पे से वो देख लेंगे हम लोग। इनसाइडर ट्रेडिंग का डेटा देख के उस पे से ट्रेड कैसा लेना है, अभी हम लोग ने जस्ट रिसेंटली एक लिया था ट्रेड एशियन एनर्जी, इनसाइडर ट्रेडिंग के हिसाब से ही लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह एक वीक के अंदर 30% प्रॉफिट भी बुक करके निकल लिए थे उसमें से। और अल्लाह करना ऐसा हुआ कि उसके बाद से वो कुछ इशूज़ आ गए उसमें और अभी एक्सचेंज पर दिख भी नहीं रहा है वो एशियन एनर्जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्रॉफिट बुक करके उससे पहले उससे निकल चुके थे, ठीक है। दैन एक्सटेंडेड मूव्स पकड़ेंगे, कंट्रोलिंग जोन्स देख लेंगे और सारी चीज़ों के लिए एडिशनल इन्हांसर्स जो होते हैं जो हमारी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएंगे वो सब पढ़ेंगे हम लोग। एंड फाइनली हमारा फाइनल पॉइंट रहेगा कि कौन से हमारे मिस्टेक्स है जो हम लोग को बार बार आते रहते हैं, कौन से डूज है कौन से डोंट्स है वो देख लेंगे और हम लोग स्किल्स डेवलप करेंगे प्रैक्टिकली। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग मीट करेंगे, लाइव ट्रेडिंग भी इंशाल्लाह करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे पूरे कोर्स में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग कल सेम टाइम पर मिलेंगे 10 बजे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग में भी लाइव आप लोग को यूट्यूब पे दिख जाएंगी फिर से, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़।